हमारा जो संबंध है पिता ईश्वर से, वह संबंध दोस्ती का संबंध होना चाहिए। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें यह बतलाना चाहते हैं कि हमारा जो संबंध है पिता ईश्वर से, वह संबंध दोस्ती का संबंध होना चाहिए। और इसी बात को बतलाने के लिए प्रभु यीशु हमें आज के पवित्र सुसमाचार में दो दोस्तों के बारे में बतलाते हैं कि अतिथि के आ जाने पर उस व्यक्ति के पास रात के समय देने के लिए रोटी नहीं रहता है, फिर भी वह अपने आप में यह यकीन और विश्वास करता है कि उसका एक दोस्त है। रात के इस समय भी यदि वह उठ करके उसके पास जाएगा तो जरूर वह उसे रोटी प्रदान करेगा। इस विश्वास और भरोसे के साथ वह अपने दोस्त के पास रोटी मांगने जाता है और तब तक मांगता है जब तक कि वह उसका दोस्त उसे रोटी नहीं दे देता है। और आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु हमें यह भी कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा और खटखटाओ तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। प्रभु हमें मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन हमें कई बार ऐसा लगता है कि जब हम प्रभु के पास अपना जो निवेदन है उसे चढ़ाते हैं, हमारी इच्छाओं को प्रभु के सामने प्रकट करते हैं, तो हमें लगता है कि प्रभु हमारे निवेदनों या इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों लगता है? यह जो सवाल है उसका जवाब हमें इन दो दोस्तों का जो दोस्ती का रिश्ता है उसमें हमें मिल जाता है कि पहली बात है कि वह व्यक्ति जिसके पास अपने अतिथि को रोटी खिलाने के लिए नहीं है, वह यह पूर्ण आशा और विश्वास रखता है कि उसका एक दोस्त है जिसे वह जानता है, उसके पास वह जाएगा और रोटी मांगेगा तो ज़रूर उसे वह रोटी देगा। इस आशा और भरोसे के साथ वह उसके दोस्त के पास जाता है। इसी प्रकार ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यदि हम प्रभु को अपने दोस्त की तरह पहचानेंगे, जानेंगे और अपने निवेदनों को जब चढ़ाएंगे तो हम यह यकीन के साथ प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखते हुए अपने आप से कह पाएंगे कि प्रभु मेरा दोस्त है, मेरी जो इच्छा है, मेरा जो निवेदन है उसे मैं प्रभु के पास चढ़ाऊंगा तो प्रभु मेरे निवेदनों को जरूर पूरा करेगा। यदि हम इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु के पास एक दोस्त की तरह आते हैं और अपना निवेदन को चढ़ाते हैं, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, तो प्रभु जरूर हमारे निवेदन और इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें यही संदेश देते हैं कि हमें हमारा जो संबंध है प्रभु के साथ वह दोस्ती का संबंध होना है। और जब हम अपने निवेदनों को, अपनी मांगों को प्रभु के पास रखते हैं तो वह मांगें हम प्रभु पर एक दोस्त की भांति उस पर विश्वास और आशा करते हुए मांगे कि प्रभु हमारे निवेदन को, प्रभु हमारी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो आइए हम प्रभु से यह कृपा मांगे, अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमें कृपा प्रदान करें ताकि हमारे दैनिक जीवन में हम प्रभु के साथ दोस्ती का संबंध बनाते हुए प्रभु पर पूर्ण विश्वास और आशा रख पाएं। आमीन।